हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट। लेट अस एंटरटेन यू विद सम बॉलीवुड की गपशप। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के डिवोर्स की खबरें काफी टाइम से लाइमलाइट में है और अब हाल ही में अभिषेक बच्चन की एक डीप फेक वीडियो भी वायरल हो रही थी जिसमें वो अपना डिवोर्स कंफर्म करते नजर आए थे। लेकिन अब फिलहाल अभिषेक बच्चन ने फिर अपना रिएक्शन दिया है और अपनी डिवोर्स की खबरों को झूठा बता दिया है। आइए देखते हैं इस वीडियो में आखिर कैसे उन्होंने इस खबर पर मोहर लगाई। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों अपने रिश्ते को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल पिछले काफी टाइम से ये खबरें आ रही हैं कि इस कपल का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है और ये भी माना जा रहा है कि एक्ट्रेस ने जलसा यानी कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का घर छोड़ दिया है और वो अपनी बेटी आराध्या के साथ अपनी माँ के साथ रह रही हैं। वहीं अब अभिषेक बच्चन इन दिनों पेरिस में हैं, जहाँ उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 का भरपूर मजा लिया। अब ऐसे में एक्टर ने अपने बिखरते रिश्ते पर खुलकर बात की है और उन्होंने अपनी शादी पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। दरअसल बीते दिनों अभिषेक बच्चन का एक डीप फेक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें वो अपने और ऐश्वर्या राय के तलाक की बात कर रहे हैं और इसमें बेटी आराध्या का नाम भी शामिल है। अब इन खबरों के बीच अभिषेक का तलाक की अफवाहों को बंद करने का एक और वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है जिसमें उन्होंने अपनी सगाई की अंगूठी सबको दिखाई है। एक मीडिया पोर्टल को दिए इंटरव्यू में अभिषेक ने ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ तलाक की अफवाहों पर बात की और उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में आपसे कुछ भी नहीं कहना है। दुख की बात है कि आप सभी ने पूरी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। मैं समझता हूँ आप ऐसा क्यों करते हैं। आपको कुछ कहानियाँ दर्ज करनी होंगी। अभी भी शादीशुदा हूँ, क्षमा करें। इस दौरान उन्होंने अपनी अंगूठी भी सबको दिखाई। आपको बता दें कि अपनी डीप फेक वीडियो संडे को सुबह सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने के बाद इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी गई है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ऑनलाइन सामने आए इस वीडियो में ये नया है या फिर पुराना। ये पहली बार है जब अभिषेक बच्चन ने अपने अलगाव की अफवाहों पर बात की है। बता दें कि 12 जुलाई को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में भी दोनों को ही अलग अलग शामिल होते हुए देखा गया था और तब से इस विवाद ने और भी ज्यादा जोर पकड़ लिया। हालांकि अब एक्टर ने इस पर सफाई देकर सबका मुंह बंद कर दिया है। वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कॉमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन। हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट। लेट अस एंटरटेन यू विद सम बॉलीवुड की गपशप। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ऑफिशियल तौर पर अपने नए क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के नए 16वें सीजन के साथ स्क्रीन्स पर वापस लौट आए हैं। लेकिन अब हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में केबीसी और बिग बी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या कुछ है केबीसी के बारे में पूरी खबर। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ऑफिशियल तौर पर पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के 16वें सीजन के होस्ट के तौर पर लौट आए हैं और अपनी शानदार और एंटरटेनिंग होस्टिंग के लिए मशहूर बिग बी की वापसी टीवी शो के वफादार दर्शकों के लिए एक शानदार पल है। अब इस सीजन को लेकर लगातार चौंकाने वाला एक खुलासा हुआ है। जी हाँ, कथित तौर पर ये खबर है कि एक्टर हर एपिसोड के लिए 5 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस वसूल रहे हैं, जो कि पिछले सीजन के मुकाबले काफी ज्यादा है। बता दें कि अमिताभ बच्चन पिछले 24 सालों से इस शो से जुड़े हुए हैं और अगर रिपोर्ट्स की माने तो शो के पहले सीजन के लिए उन्होंने प्रति एपिसोड लगभग 25 लाख रुपए की पेमेंट ली थी और अब जैसे जैसे केबीसी आगे बढ़ा बच्चन जी की लोकप्रियता भी बढ़ती गई जिससे उनकी फीस में भी बढ़ोतरी हुई। चौथे सीजन तक उनका मेहनताना बढ़कर 50 लाख रुपए प्रति एपिसोड हो गया था, जो पहले की दरों से दोगुना था।
छठे सीजन तक उनकी फीस कथित तौर पर 1.5 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच हो चुकी थी और मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8वें सीजन में उनकी फीस बढ़कर 2 करोड़ रुपए हर एपिसोड के लिए हो गई थी और 9वें सीजन तक ये 2.5 करोड़ रुपए के आसपास हो गई थी, बल्कि 10वें सीजन तक ये कीमत बढ़कर 3 करोड़ रुपए हर एपिसोड के हिसाब से हो गई थी। वहीं बिग बी ने जहां सीजन 11 से 13 के लिए 3.5 करोड़ रुपए हर एपिसोड के लिए चार्ज किए, तो वहीं क्विज शो के 14वें सीजन तक उन्हें 4 से 5 करोड़ रुपए की हर एपिसोड की भारी भरकम रुपीस मिल रहे थे। वहीं नए सीजन का प्रीमियर 12 अगस्त को हुआ है और पहले कंटेस्टेंट उत्कर्ष बख्शी, जो बैंगलोर स्थित मानव संसाधन पेशेवर है, उन्होंने 3.20 लाख रुपीस जीतकर जीत हासिल की। अब निर्माताओं ने सुपर सवाल और दुग्नास्त्र जैसे नए नियम पेश किए हैं। जिन्हें नहीं पता उनके लिए हम आपको बता दें कि सुपर सवाल एक बोनस प्रश्न है जो पहले सुरक्षित पड़ाव यानी 5वें प्रश्न के बाद आता है और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई लाइफलाइन मौजूद होगी। हालांकि अगर कंटेस्टेंट सही जवाब देते हैं तो उन्हें 2 गुना सुपर पावर या फिर दुग्नास्त्र का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। वेल, अब बिग बी के 5 करोड़ रुपए वसूलने वाली बात कितनी सच है कितनी नहीं, ये तो बिग बी खुद अपने आप ही बता सकते हैं। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कॉमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन। हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट, लेट अस एंटरटेन यू विद सम बॉलीवुड की गपशप। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जब से राजनीति में एंट्री मारी है तब से ही वो कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बन चुकी हैं और अब एक बार फिर कंगना रनौत ने ऑपोजिशन के नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है और इसके बाद कंगना रनौत को उतनी ही ज्यादा ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा है। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है पूरी कहानी। कंगना रनौत जब से अभिनेत्री से नेता बनी है और मंडी सीट से सांसद बन गई हैं, तब से वो लगातार सुर्खियों में हैं और उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला है। जी हां, कंगना रनौत ने सोमवार को नई हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के चेयरपर्सन माधवी बुच पर इसके आरोपों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने राहुल को जहरीला और कड़वा जैसे शब्दों से संबोधित भी किया। इसके बाद उनके बयान को लेकर चर्चा रही और कांग्रेस के लोग उनके घेरे में आ गए। कंगना रनौत ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, राहुल गांधी इज द मोस्ट डेंजरस मैन, ही इज बिटर, पॉइजनस एंड डिस्ट्रक्टिव। His agenda is that if he can't be the prime minister, then he might as well destroy the nation. Hindenburg report targeting our stock market that Rahul Gandhi was endorsing last night has turned out to be a damp squib. He is trying everything to destabilize this nation, its security and economy. Mr. Gandhi, get ready to sit in the opposition all your life and the way you suffering, get ready to suffer the glory, the growth and the nationalism of the people of this nation. They will never make you their leader. You are a disgrace. Hashtag Hindenburg report, hashtag SEBI. अब इस बयान पर लोग भी अपने रिएक्शन सामने ला रहे हैं, जिस पर एक ने लिखा, राहुल गांधी ऑपोजिशन बैठकर भी तुम्हारी सरकार का जीना हराम करके रखेंगे। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, गुस्सा इस पर नहीं, इसको सांसद बनाने वाली मंडी की जनता पर आ रहा है। तो वहीं एक तीसरे यूजर ने लिखा, आजकल कंगना रनौत राहुल गांधी की कुछ ज्यादा ही बुराई कर रही है, क्या लगता है दिल आ गया क्या इनका राहुल गांधी पर। वहीं दूसरे यूजर्स ने लिखा, चिंता ना करो, तुम्हारा भी स्मृति ईरानी जैसा घमंड एक दिन टूटेगा। और ऐसे ही सिलेंडर वाले भी बोलते थे, घमंड चकनाचूर हो गया। अब इस तरह से लोग लगातार रिएक्शन दे रहे हैं और कंगना रनौत को भी ट्रोल कर रहे हैं। Well, thanks for watching the video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कॉमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन।
हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट। पूरे देश में इस वक्त कोलकाता गैंगरेप मर्डर केस को लेकर रोष फैला हुआ है और लोगों के अनगिनत रिएक्शन सामने आने के बाद फाइनली बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के रिएक्शंस भी सामने आ गए हैं और उन्होंने इस दर्दनाक दुर्घटना की काफी ज्यादा निंदा की है। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है पूरी खबर। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस को लेकर हाल ही में करीना कपूर खान का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा है और उनके साथ ही कई एक्ट्रेसेस ने इंडिपेंडेंस डे मनाने से इनकार करते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की और प्रीति जिंटा ने भी इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। इनके साथ ही कई एक्ट्रेसेस ने सोशल मीडिया पर इसकी कड़ी निंदा करते हुए अपने रिएक्शंस दिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने इंडिपेंडेंस डे पर कोई पोस्ट ना करते हुए कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए हादसे को लेकर दुख जताया और लिखा, 12 साल बाद भी वही स्टोरी, वही प्रोटेस्ट, लेकिन हम अभी बदलाव का इंतजार ही कर रहे हैं। उनके इस पोस्ट पर फैंस कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा, थैंक यू मैम, कोई तो अपनी आवाज उठा रहा है। एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया, सबसे दुखी इंडिपेंडेंस डे, महिलाएं अपने वर्क प्लेस पर भी सेफ नहीं है। वहीं प्रीति जिंटा ने लिखा, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इलेक्शन में 63% महिलाएं वोटर्स थी और ये वक्त अब महिलाओं की सेफ्टी को प्राथमिकता देना है, ये बहुत दुखद है। वहीं एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए पोस्ट पर लिखा, 12 साल बाद भी कुछ नहीं बदला, एक डॉक्टर होना क्राइम नहीं है इस देश में, उम्मीद रखना क्राइम है, आजादी को सेलिब्रेट करना काफी दुखद लग रहा है। इनके अलावा अनन्या पांडे, जानवी कपूर, सारा अली खान, आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, मीरा कपूर, राशि खन्ना, सानिया मिर्जा और कृति सेनन जैसी एक्ट्रेसेस ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और सोशल मीडिया पर अपनी रेज जाहिर की। बता दें कि कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ ये रेप मर्डर केस काफी दुखद दुर्घटना है जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मायापुरी कट एंड डू प्रेस द बेल आइकन। हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट, लेट अस एंटरटेन यू विद सम बॉलीवुड की गपशप। बॉलीवुड की फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपनी शादी के 4 साल बाद अपने फैंस के साथ एक खुशखबरी शेयर की है और उन्होंने इस खुशखबरी के दौरान का फैमिली सेलिब्रेशंस भी सोशल मीडिया पर दिखाया है। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है नेहा कक्कड़ की खुशखबरी। सिंगर नेहा कक्कड़ बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक मशहूर सिंगर हैं और आपको बता दें कि उन्होंने अपने पति रोहन प्रीत के साथ मिलकर अपने सपनों का एक आशियाना बना लिया है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने ये घर मुंबई में बनाया है या चंडीगढ़ में, इस बात की अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गई है। लेकिन आपको बता दें कि नेहा कक्कड़ ने हाउस वार्मिंग पार्टी की कुछ फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए फैंस के साथ शेयर किए हैं और उन्होंने घर के अंदर की कुछ झलक भी दिखाई है। टीक वुड से काफी ज्यादा काम किया गया है और घर में नेचुरल लाइट आ पाए और इसके लिए बड़े बड़े पैनल भी लगवाए गए हैं, साथ ही ग्लासेस भी फिट कराए गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नेहा कक्कड़ का ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ ये घर काफी ज्यादा खूबसूरत है और उन्होंने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए इस पोस्ट के नीचे लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस हबी एंड द होल फैमिली, बेस्ट हाउस वार्मिंग एवर, आई लव यू रोहन प्रीत सिंह, व्हाट अ डे, बहुत सारा खाना खाया, बापरे, ऑल्सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बता दें कि फोटो में ये साफ नजर आ रहा है कि नेहा कक्कड़ ने हैवी वर्क अनारकली सूट पहना हुआ है और रोहन प्रीत को भी कुर्ता पजामा में देखा जा सकता है। वहीं इन दोनों का ये ट्रेडिशनल लुक दोनों के फैंस को भी बेहद भा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि नेहा कक्कड़ की हाउस वार्मिंग पार्टी में मेहमानों के लिए रेत पर बनी चाय और कांसे के बर्तनों में खाना परोसा गया था। इसके अलावा सफेद फूलों से घर को पूरी तरह से सजाया गया था और नेहा कक्कड़ का पूरा परिवार और करीबी दोस्त भी इस पार्टी में शामिल हुए थे।
बता दें कि बॉलीवुड की फेमस सिंगर नेहा कक्कर ने साल 2020 में पंजाबी सिंगर रोहन प्रीत सिंह के साथ एक ग्रैंड वेडिंग की थी और शादी के बाद से ही दोनों का रिश्ता काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है और हमेशा से ही दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें भी सामने आती थी। लेकिन अब इन लेटेस्ट तस्वीरों के जरिए ये साफ देखा जा सकता है कि रोहन प्रीत सिंह और नेहा कक्कड़ का रिश्ता अभी भी अटूट है और दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो अपनी शादी के वक्त किया करते थे। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन। हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट, लेट अस एंटरटेन यू विद सम बॉलीवुड की गपशप। साउथ सुपरस्टार नागा चैतन्य और एक्ट्रेस शोभिता धुलीपाला की सगाई 8 अगस्त को ही हुई थी और अब हाल ही में ज्योतिष ने शोभिता और नागा चैतन्य की शादी को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है और उन्होंने कहा है कि इन दोनों की शादी सिर्फ साल 2027 तक ही चलेगी, जिसके बाद से ये ज्योतिष काफी ज्यादा मुश्किलों में पड़ गए हैं। आइए देखते हैं क्या है इस खबर के पीछे की पूरी कहानी। साउथ सुपरस्टार नागा चैतन्य और एक्ट्रेस शोभिता धुलीपाला ने 8 अगस्त 2024 को हैदराबाद में अपने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में सगाई की थी और अब सगाई के कुछ दिनों बाद ही एक ज्योतिषी वेणु स्वामी परंकुशम चय ने उनके रिश्ते की एक भविष्यवाणी करी है और ये भविष्यवाणी काफी शॉकिंग है। जी हाँ, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि चैतन्य और शोभिता का रिश्ता 2027 में किसी दूसरी महिला के कारण खत्म हो सकता है। हालांकि इस दावे ने एक विवाद को जन्म दे दिया है, जिसकी वजह से तेलुगु फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने उनके असंवेदनशील वीडियो के लिए उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और इसकी रिपोर्टिंग 123 तेलुगु ने की है। हालांकि इतनी कड़ी आलोचना के बाद ज्योतिषी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर माफी भी मांगी है और उन्होंने कहा कि मैंने फिल्मी सितारों और राजनेताओं के भविष्य के बारे में कभी भविष्यवाणी नहीं करने की कसम खाई थी और मैं अपने वचन पर कायम रहूंगा। MAA के अध्यक्ष मंचु विष्णु ने मुझसे बात की है और मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं कभी भी फिल्मी सितारों के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी नहीं करूंगा। अब इसी बीच नागा चैतन्य और शोभिता धुलीपाला 2 साल से डेटिंग कर रहे हैं और इस जोड़े की अफवाहें साल 2022 में तब फैलना शुरू हुई जब लंदन के एक रेस्टोरेंट से उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी। बता दें कि नागा चैतन्य ने पहले समांथा रूथ प्रभु से शादी की थी और उन्होंने साल 2017 में समांथा का हाथ थामा था, लेकिन साल 2021 के अक्टूबर में एक संयुक्त बयान में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने सेपरेशन की अनाउंसमेंट की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन। हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट, लेट अस एंटरटेन यू विद सम बॉलीवुड की गपशप। अक्सर ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार किड्स अपने स्ट्रगल्स को लेकर ट्रोलिंग का सामना करते हैं और अब इस लिस्ट में एक और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का नाम शामिल हो गया है। जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान श्रद्धा कपूर ने अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात की और इस दौरान उनके साथ वहाँ एक्टर राजकुमार राव भी मौजूद थे। वहीं अब राजकुमार राव के इस दौरान के रिएक्शन सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और फिल्म ने पहले दिन ही बम्पर कमाई करके कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हाँ, श्रद्धा कपूर ने इंडस्ट्री में बहुत मेहनत करके अपनी एक अलग जगह बनाई है। उन्होंने फिल्म 3 पत्ती से डेब्यू किया था और जब ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी तो श्रद्धा को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। उनकी शुरुआती कई फिल्में फ्लॉप हुई थी और अपनी फ्लॉप फिल्मों के बारे में श्रद्धा कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बात की है, जिसमें राजकुमार राव का रिएक्शन भी देखने वाला था। दरअसल श्रद्धा कपूर की 3 पत्ती के बाद लव का दी एंड जैसी 2 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई थी।
उसके बाद शक्ति कपूर की बेटी की किस्मत आशिकी 2 फिल्म से चमकी थी और आशिकी 2 के बाद से श्रद्धा को अपने करियर में कभी भी पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। श्रद्धा कपूर ने स्त्री 2 के प्रमोशंस के दौरान दिए एक इंटरव्यू में अपनी फ्लॉप फिल्मों के बारे में बात की और उन्होंने बताया कि 2 फिल्में फ्लॉप होने के बाद इंडस्ट्री में उनके साथ कोई काम नहीं करना चाहता था। मोहित सूरी ने आशिकी 2 में उनके साथ काम करने का चांस लिया और श्रद्धा कपूर ने आगे कहा कि काफी सारे ऑडिशंस करने पड़े क्योंकि उस वक्त ऐसे कोई ऐसा चाहता था कि मेरे साथ फिल्म करे। खास तौर से अगर फ्लॉप फिल्म का बैगेज लेकर आपकी शुरुआत हुई है तो बहुत कठिन होता है कि आपको अगली फिल्म मिले। फिर मोहित सूरी को पता नहीं क्या लगा और उन्होंने मुझ में विश्वास दिखाया। अब श्रद्धा कपूर की बातों के दौरान हर किसी का ध्यान राजकुमार राव के एक्सप्रेशंस पर गया। जी हाँ, इससे पहले वो जानवी कपूर और सोनम कपूर के साथ भी इंटरव्यू में बैठे थे और तब भी इन्होंने अपने स्ट्रगल के बारे में बताया था। अब राजकुमार के एक्सप्रेशंस देखकर एक यूजर ने लिखा, राज एक बार फिर क्राइम सीन में, कैसे इनके साथ हर बार ऐसा होता है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, मैं उसके पेशेंस की तारीफ करता हूँ, हम तो ना सह पाते। बता दें कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 की खूब तारीफ हो रही है और दोनों की एक्टिंग को भी काफी पसंद किया जा रहा है। वहीं इस फिल्म के एक्टर्स की बात करें तो इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी अहम किरदार निभाते नजर आए हैं और फिल्म में अक्षय कुमार का भी कैमियो देखने को मिला है। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कॉमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन।